दुर्योधन के रूप में आज मरा अन्याय, शाप संताप का हुआ अंत मेरे पुत्र, मेरे प्रिय दुर्योधन का शव बिल्कुल अकेला है संजय। मैं नहीं जानता राजन। तो देख कर बताओ। अब मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है राजन। युवराज की आंखों के साथ ही साथ मेरी वो आंखें भी बंद हो गई। संजय, क्या तुम अंधकार के उस अजगर को देख सकते हो? इसने मुझे जकड़ लिया है। मैं देख भी रहा हूं राजन और समझ भी रहा हूं। हे राजन, इस पीड़ित क्षण का सत्य यह है कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं, वो केवल सर्वनाश के ध्वज की भांति हृदय में गड़ सकता है। इस युद्ध को आप रोक सकते थे। हाँ, मैं रोक सकता था, किंतु जब भी मैंने इस युद्ध को रोकने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा, मेरी अपनी महत्वाकांक्षा और मेरे पुत्र मोह ने मेरा वो हाथ पकड़ लिया। किंतु अब तो मैं वो महत्वाकांक्षा ही है और ना पुत्र ही। अपने सपनों के खंडहर में मैं अकेला खड़ा हूं संजय। जो युद्ध वहां मेरे पुत्र की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया है, वो युद्ध यहां मेरे भीतर मेरे हृदय के कुरुक्षेत्र में अब भी हो रहा है। मैं ही तलवार भी हूं और मैं ही ढाल भी। मैं स्वयं अपने आप पर आक्रमण करता हूं और अपना बचाव भी। ये द्वंद्व युद्ध बड़ा अनूठा है संजय।
यदि मैं विजयी हो भी जाऊं तब भी मेरे हाथ तो पराजय ही आएगी। हे पुत्र दुर्योधन, मैंने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। लोग अपने पुत्रों को मधु चटाकर पालते हैं, किंतु मैंने तुझे अपनी महत्वाकांक्षा का विष चटा चटा कर पाला है। और परिणाम ये कि तेरा शव आज रणभूमि में यूं अकेला पड़ा हुआ है।